गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संस्कृत में हमने पहला लेसन पढ़ा था, इसके बाद में हम दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं। दूसरा लेसन मैंने आपको पढ़ाया था, इसके थोड़ा सा लेसन और बचा है, फिर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। इदानी मप्यम क्रेत्याम, यानी ऐसा अभी भी ऐसा किया जा सकता है। ये कबूतर वाली जो कहानी है कि संगठन में ही सकती है। सर्वे रेख चित्ती हुए, यानी सभी लोग एकमत होकर जाला मादोड़िए ताम, यानी जाल को लेकर उड़ जाओ। इति विचिन्त्य, ऐसा विचार करके सर्वे पक्षिण, सर्वे यानी सभी पक्षी है जो जाला मादायो पतिता, यानी जाल को लेकर उड़ जाते हैं। अनंतरम, इसके बाद सव्यादय वह शिकारी सुदूरा जाला पहारकान उड़ते हुए, सुदूरा यानी उड़ते हुए जाल को अवलोक के यानी देख कर पश्चात धावनम अक्रोत, उसके पीछे दौड़ता है। ततस्तेषु, इसके बाद चक्षु विषयांति क्रांतिषु, जब चक्षु यानी आंखों से, जब वह जाल उसकी शिकारी की आंखों से ओझल हो जाता है, पक्षिशो से व्याधो निवर्तता है, तो वह व्याधो निवर्तता व्याध शिकारी वहां से चला जाता है। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि अल्पा नामपि वस्तुनाम, अल्पा नामपि यानी छोटी 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 वस्तुओं का संयति यानी संग्रहण करके यानी इकट्ठा करके कार्य साधिका कार्य को पूरा किया जा सकता है। जब छोटी छोटी वस्तुओं को हम इकट्ठा करेंगे तो उससे क्या होता है, कार्य सिद्ध किया जा सकता है। तृणे, जैसे तृण यानी घास, घास की बनी हुई गुणत्व मापनी यानी रस्सी से बध्यंते यानी बांधा जा सकता है। मत दंती ने यानी मदमस्त हाथी को, जैसे घास से छोटी छोटी घास से इकट्ठा करके उसकी रस्सी बनाकर जैसे मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। यह है कहानी थी संगे शक्ति यानी संगठन में ही शक्ति है। अब मान लो इस पाठ में से कोई भी गद्यांश की व्याख्या आए करने, तो हम पहले क्या करेंगे कि यह हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से लिया गया और संगे शक्ति पाठ का नाम है संगे शक्ति, संगे शक्ति पाठ से लिया गया और नारायण शर्मा पंडित द्वारा रचित है और इसमें एकमत होकर कार्य करने को कहा गया है। ठीक है, ये कहानी आप लोग एक बार पढ़ोगे, खुद से पढ़ने की कोशिश करना ताकि आपको समझ में आए। अब देखो इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको नोटबुक में, अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपको नोटबुक में करना है। वाइस यानी कोवा, किद्रसम यानी किस प्रकार, व्याधम यानी शिकारी को, आयांतम यानी आते हुए, अपश्यत यानी देखा, कोवे ने किस प्रकार शिकारी को आते हुए देखा, तो किस प्रकार देखा। कृतांत में उदित्यम यानी यमराज के समान, किसके समान, यमराज के समान। दूसरा देखो, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुर कणानाम संभव इति कह उक्तवान, कि इस निर्जन यानी सुनसान जंगल में तंडुल यानी चावल के कण कहाँ से आए, ये किसने कहा था, किसने कहा, चित्रग्रीव ने, किसने, चित्रग्रीव ने। आगे है, विपत्ति काले का पुरुषस्य लक्षण मस्ति, विपत्ति के समय कायर पुरुष का लक्षण क्या है, विस्मय, घबरा जाना, क्या है, घबरा जाना। अल्पा नाम अपि वस्तु नाम कार्य साधिका अस्ति, अल्पा नाम अपि यानी छोटी छोटी वस्तुओं से कार्य सिद्ध होता है, क्या करने से, सहति संग्रह करने से। वायसस्य नाम किम, वायसस्य यानी कोवे का क्या नाम था, तो लघु पत्नक, क्या नाम था, लघु पत्नक। ठीक है, देखो यहाँ नीचे भी दिया हुआ लघु पत्नक। वायस कम आयांतम अपश्यत, वायस कोवे ने किसे आते हुए देखा था, व्याधम, किसको, व्याधम यानी शिकारी को, यहाँ दिया हुआ व्याधम। कह कपोत राजा, कबूतरों का राजा कौन है, चित्रग्रीव, कौन है, चित्रग्रीव। किद्रसे त्रिणे मतदंती न बध्यन्ते, किस प्रकार के घास से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है, गुणत्व मापने, इसका क्या हो जाएगा, गुणत्व मापने। ठीक है, ये दिए हुए नीचे देख लेना।
अब है निबंधात्मक प्रश्न, ये आपके 10th क्लास में आते नहीं है तो आपको इसके एबएसएड है और ये अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, ये नोटबुक में करने हैं, निबंधात्मक आपको करने नहीं है। और अब जो बताऊँ ये व्याकरण वाले प्रश्न है, ये भी आपको नोटबुक में करने हैं। देखो इसमें है कि अधोलिखितेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देश करते, यानी इसमें धातु लकार और पुरुष वचन का निर्देश करना है। जैसे निवसति है, निवसति में कौन सी धातु है, वस। अब निवसंति रूप कौन सा है, लट लकार, जैसे वस्ती वस्ता वसंती, वैसे लट लकार है। पुरुष कौन सा है, प्रथम, और वचन कौन सा हो गया, बहुवचन हो गया। वैसी अपश्यत, अपश्यत कौन सी धातु है, दृश्य, कौन सी धातु है, दृश्य, देखो ये दृश्य, दृश्य धातु है, ठीक है। इसका रूप कौन सा, मतलब कौन सा लकार है, लंग लकार, लंग लकार में ए लग जाता है, अपश्यत अपश्यताम अपश्यन। पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, और वचन कौन सा है, एक वचन, कौन सा है, एक वचन, यानी अपश्यत होता है तो एक वचन। दृश्य क्षति इसमें भी क्या हो गई, दृश्य धातु हो गई, यही धातु इसमें आएगी। लकार लिट लकार, क्योंकि भविष्य काल है, दृश्यसि दृश्यस्य दृश्यन्ति, और प्रथम पुरुष और एक वचन है। ऐसे ही पश्यामि में भी कौन सा है, दृश्य धातु है, लकार लट लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन, जैसे पश्यामि पश्याव पश्याम, तो यहाँ भी एक वचन, ठीक है, ये आपको नोटबुक में करना है। अब आगे देखो बुभू है, बुभुए में कौन सी धातु है, भू, कौन सी है, भू। लकार कौन सा है, लिट लकार, ठीक है, प्रथम पुरुष और बहुवचन। उवाच में क्या है, ब्रू, ठीक है, क्या है, ब्रू धातु, लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अक्रोत में क्री, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन। नहीं समझ में आ रहे, देखो लंग धातु, ठीक है, यह लंग लकार क्री। अब है अधोलिखित पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देश कृते, यानी इसमें शब्द विभक्ति और वचन बताने हैं। जैसे तीरे हैं, शब्द क्या बन गया, तीर, विभक्ति कौन सी है, जैसे रामे में सप्तमी है, वैसे तीरे में सप्तमी और एक वचन। आगे पक्षीण है, पक्षी, शब्द क्या बन जाएगा, पक्षी, विभक्ति कौन सी हो गई है, पक्षीण, विभक्ति प्रथमा और बहुवचन, पक्षी। चंद्रमशी, चंद्रमा रूप शब्द बन गया चंद्रमा, विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी और एक वचन। तस्मिन में शब्द क्या बन गया, तत्, तत् सप्तमी विभक्ति, तस्मिन तयोतासु एक वचन। व्याधेन, व्याध तृतीय विभक्ति और एक वचन। वने, वन सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वे, सर्व प्रथमा विभक्ति और बहुवचन, नोटबुक में करना है। आगे देखो निम्नलिखित शब्देषु संधि नामान निर्देशम सहित संधि विच्छेदम प्रदर्शित, संधि विच्छेद करना है। कुतो अत्र है, तो इसका क्या बन जाएगा, कुतः प्लस अत्र, देखो यहाँ देखो उधर नहीं समझ में आ रहा है, कुतः प्लस अत्र, ये विसर्ग संधि है, कौन सी है, विसर्ग, बताऊं, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होना विसर्ग संधि होती है, तो विसर्ग कुतो, अब अह प्लस अह तो क्या बन गया, ओ बन जाएगा, तो कुतो अत्र, इसमें विसर्ग ओत्व संधि है, ओत्व क्यों हुआ, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर ओ आ जाएगा। व्याकुल चलित है, इसमें भी विसर्ग संधि है, क्या है, व्याकुल प्लस चलित है, व्याकुल है प्लस चलित है, ठीक है, तो विसर्ग के स्थान पर सह का आदेश, यानी विसर्ग सत्व संधि हो गई। अप्येवम, यानी अपि प्लस एवं, अपि प्लस एवं, ई के स्थान पर यह का आदेश होना यण संधि, ई के स्थान पर यह का आदेश किस में होता है, यण संधि में होता है। प्रतिकारश्चिन्त्याम, यानी प्रतिकार प्लस चिंत्याम, तो इसमें भी सह का आगमन है, तो विसर्ग सत्व संधि हो गई। सर्वे रेक चितुभुय, सर्वे प्लस एक चितुभुय, यानी सर्वे हैं, विसर्ग के स्थान पर रे का आदेश, तो विसर्ग रुत्व संधि हो गई।
सुदूरा जाला पहाड़ कान, तो सुदूरात प्लस जाल प्लस अपहारा कान, तो इसमें व्यंजन संधि होगी। क्या हो गई? व्यंजन संधि। अब आगे देखो, अदस्तनेषु पदेषु नामा निर्देशयितं समास विग्रह विधे, समास विग्रह करना है। गोदावरी तीरे, गोदावर्या तीरे षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनिष्ट दर्शनम, अनिष्ट दर्शनम तो न इष्ट दर्शनम, नन तत्पुरुष समास। क्या गया? नन तत्पुरुष समास। अनभिमतम न अभिमतम, न अभिप्तम, इसमें भी नन तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें द्वितीय विभक्ति है। सपरिवार यानी परिवार के साथ में, परिवार के साथ में, परिवारेण सहित, सह क्या योग आता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है। निर्जनम निर अव्यभाव, अव्य आ गया, निर उपसर्ग आ गया, तो क्या हो गया? जनानाम अभाव है, अव्यभाव समास। मतदंतीन मत्ता दंतीन कर्मधारय समास। अविचारितम न विचारितम, नन तत्पुरुष समास। अब निम्नलिखित शब्देशों प्रकृति प्रत्यक्ष विवेचितम, प्रकृति प्रत्यय करना है। प्रबुदय, प्रबुदय में प्र प्लस बुद्ध प्लस कत, ठीक है, कत प्रत्यय हो गया। अब आगे देखो, जातम तो जन प्लस कत, विकीर्य यशेष है तो यशेष किस में होता? लेप प्रत्यय में, तो वी प्लस क्री प्लस लेप। प्रच्छन, प्रच्छन तो इसमें भी कत प्रत्यय न, प्र प्लस छिन प्लस कत। इश्री, इश इन्नी प्रत्यय, क्योंकि इन्नी प्रत्यय में ई शेष रहते हैं, इश प्लस इन्नी प्लस टाप, टाप, ठीक है। घृणी, घृणा प्लस इन्नी, ई शेष है इसलिए इन्नी प्रत्यय। अब है निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम सब वाक्येषु कुर्यत्, वाक्यों की रचना करनी है। जैसे रात्रो है बाल का, रात्रो पठन्ति, ये वाक्य आपको अपने आप बनाकर करने है। मतलब लेसन में से ये जो वॉइस है तो वॉइस से जो भी सेंटेंस शुरू हो रहा है उसका आप वाक्य अपने आप बनाओगे, ठीक है। अब है सम्यक विभक्तिम संयोजन कोष्ट गतेन पदेन रिक्त स्थान कुर्यत्, जैसे सालमली तरो पक्षिण निवसंति, पक्षी दे रखा इसमें आ पक्षिण। अवसनायाम वायसे प्रबुदय रात्रि तो रात्रो, ठीक है, रात्रो समाप्त होने पर। तेल जलम विस्तृणम व्याधय व्याधेन यानी शिकारी ने। कपोत राज तंडुल कणलुब्धान एकथ्यत तो कपोतान कबूतरों को, कपोता तत्रोपविष्ट यानी सर्वा सभी कबूतर। अल्पा नाम अपि वस्तु नाम, वस्तु नाम आ जाएगा। स व्याध जाला पहारकान तान अवलोक्य पश्चात, तान अवलोक्य पश्चात धावनम अक्रोर। ये है दूसरा लेसन, कंप्लीट हुआ है, ठीक है, ये आपको नोटबुक में करना है और इसको याद भी करना है। ओके, थैंक यू।